सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग एक एक कदम लगातार सफलता की ओर बढ़ाते हुए अग्रसर हैं। 35 क्लास हमारे पास है और 35 क्लास में एयरफोर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुकिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो लाइक करिए, लाइक करके वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग जो है एयरफोर्स ग्रुप यक्स में मैथ का सेट नंबर एक सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, मैथ का सेट नंबर एक सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हमने पिछली क्लास में दोस्तों 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज जो हम लोगों का क्रम रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कल वाली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक चैप्टर पूरा शंकु परिच्छेद मैंने पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें आपका वृत्त, परवलय, दीर्घ वृत्त, अर्ध परवलय, ये चारों चीजें पूरा विस्तार से मैंने बता दिया है दोस्तों। और इस चैप्टर से दो या तीन क्वेश्चन हर प्रश्न उसमें हर सेट में आपको मिलेगा दोस्तों। तो जब हम सेट कराएंगे, जैसा कि करा रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा दोस्तों कि जो है क्या है। पिछली क्लास मतलब कि दो तीन दिन से प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 दिन से आपकी क्लास डेली चल रही है दोस्तों। तो आज उसी क्रम में हम अगले प्रश्न से डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लोगों का प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न नंबर है 41। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 41 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और प्लस प्रश्न संख्या 41 क्या है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों। लिखा हुआ है कि यम के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे, वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस टू आई प्लस यम जे, वेक्टर बी बराबर माइनस टू आई प्लस यम जे कैप एक रेखीय होगा। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है हमारा कि ये बताइए कि यम के किस मान के लिए वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे और वेक्टर बी बराबर टू आई प्लस यम जे एक रेखीय सदिश होगा। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर आपको दिया गया है कि ए और बी रेखीय सदिश हैं तो उसका मतलब होता है दोस्तों ए बराबर बी टी। जी हाँ दोस्तों, जहां पर टी आपका एक नियतांक रहता है दोस्तों, और टी का मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ए बराबर बी टी होता है दोस्तों, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी टी। अब इसमें मान रखेंगे दोस्तों, तो ये हो, इसको आप सूत्र के रूप में याद रखिएगा, जब भी शब्द मिल जाए क्या, जब भी शब्द मिल जाए रेखीय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रेखीय शब्द मिलता है, कौन सा शब्द दोस्तों, रेखीय शब्द अगर आपको मिलता है तो याद रखिएगा वेक्टर ए बराबर बी, वेक्टर बी और टी होता है। तो दोस्तों, अब यहां पे वेक्टर ए की जहां पे वेक्टर ए का मान रख दीजिए, तो वेक्टर ए का मान है आई माइनस जे और बराबर वेक्टर बी, वेक्टर बी का मान है टू आई प्लस यम जे और टी है टी। किसी को कहीं भी डाउट हो दोस्तों बताइएगा, और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस आपका एक कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए इसको। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। तो देखिए आई माइनस जे और बी की जहाँ पर बी का मान रख दिया हमने, अब इसमें टी को शामिल कर लेंगे दोस्तों, अर्थात आई माइनस जे कैप बराबर माइनस टू आई टी प्लस यम टी जे। जी हाँ दोस्तों, कैप लगा है, कैप लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम तुलना कर लेंगे दोस्तों। तुलना कैसे करेंगे, आई का आई के साथ तुलना करेंगे दोस्तों, जे का जे के साथ तुलना करेंगे। तो अब लिख देंगे हम तुलना करने पर। जी हाँ दोस्तों, जब हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो देखिए दोस्तों तुलना करते हैं इसकी, और तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, माइनस टू, देख रहे होंगे माइनस टू और ये आपका टी है, तो माइनस टू टी बराबर एक।
आई आई का जब तुलना किए दोस्तों, तो यहाँ पे एक है आई के पहले और यहाँ पे आई के पहले माइनस टू टी है, इसका मतलब माइनस टू टी बराबर एक मिल गया। अब जब आप जे और जे का तुलना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जे के आगे माइनस एक है और यहाँ जे के आगे यम टी है, अर्थात यम टी बराबर माइनस एक आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, t बराबर माइनस एक बटे दो, ये दो आपका गुड़े में है, बराबर के उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, और यहां से दोस्तों यम और इंटू टी, टी का मान यही माइनस एक बटे दो रख दीजिए, बराबर माइनस एक, माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों, यम बराबर दो, यम बराबर दो दोस्तों, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो बताइए अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए कि सर यहां नहीं समझ में आया, किया क्या हमने, केवल एक चीज याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर आपको रेखीय दिए गए हैं दोस्तों, अगर दो वेक्टर आपको रेखीय दिए गए हैं तो कुछ नहीं करना, केवल यही लगा देना है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी टी, और मान रख देंगे आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, 42 लिखा है, कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 5, वेक्टर बी बराबर 2। जी हाँ दोस्तों, वेक्टर ए बराबर 5 और वेक्टर बी बराबर 2 मार्ग में है सब, और तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6 हो, तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखता रहता हूँ। अभिषेक, दीपक, सुनील, पंकज, मोहित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है पढ़ाई में लगे हुए हैं, और ऐसे ही पढ़ाई करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुलदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी को एक बार मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ दोस्तों, और जल्दी जल्दी एक बार आप लोग शेयर करिए मेरे लिए, आप एक बार शेयर करिए दोस्तों, सबको शेयर करिए और सबको बुलाइए कि सब लोग आएं, और सब लोग एक एक बार शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, हमको निकालना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसी का मॉड निकालना है दोस्तों। तो याद रखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो इसका होल स्क्वायर और इसी में प्लस दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। सुनिएगा, ये आपको मैं सूत्र बता रहा हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये जो बराबर होता है दोस्तों, ये होता है मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही होता है दोस्तों, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर और गुड़े या क्रॉस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर दोस्तों। ये आपका सूत्र है दोस्तों, ये आपका सूत्र है, इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, ये आपका सूत्र है दोस्तों, और इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब इसी में केवल मान रख देना है हमको, इसका मान निकालना है, इसको आप ऐसे उतार लीजिए दोस्तों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस दोस्तों। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, 6 है, 6 लिख के आप इसमें होल स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, बराबर है बराबर, वेक्टर ए मॉड, तो मॉड वेक्टर ए का मान 5 है दोस्तों, और 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, गुणे वेक्टर बी का स्क्वायर, तो वेक्टर बी का मान देखिए 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा। कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो तुरंत आप कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपका कमेंट देखता रहता हूं, बस केवल आप इतना करिए दोस्तों कि शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर जरूर करें। तो देखिए अब इसको हमको निकालना है, तो इसको आप ऐसे उतारते चलिएगा दोस्तों, प्लस 6 × 36 बराबर 5 × 25 और गुड़े 2 × 4, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 25 × 100, और ये प्लस 36 बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, तो माइनस 36 हो जाएगा, अर्थात वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 64। तो यहां से दोस्तों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 64 या फिर 8 28 64। तो दोस्तों जो हमको मान मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ये हो जाएगा 8, यही आ जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कहीं भी कोई भी समस्या हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आप ही लोग हमारे अपने हैं और अगर आप अपना मानते हैं तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, सिर्फ आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रायिकता से संबंधित है। कह रहा है ई तथा यफ यदि दो घटनाएं हैं, जी हाँ दोस्तों ई तथा यफ यदि दो घटनाएं हैं जिनमें पीई दिया है और पी एफ दिया है दोस्तों, पीई बराबर 1/3 कामा पी एफ बराबर 1/4 और पीई इंटरसेक्शन यह बराबर 1/5 तब पीई अपान यफ ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों पीई अपान यफ ज्ञात कीजिए, या फिर प्रश्न में एक और पूछा जा सकता था पी एफ अपान ई ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों प्रश्न में आपके प्रश्न में यह पूछा है, लेकिन मैं दोनों चीज बता दे रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में यह पूछा जाए। तो दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न है तो केवल एक सूत्र आप याद रखिएगा, क्या है प्रायिकता में मैं इसको विस्तार से बताया हूं, सूत्र यह है दोस्तों पीई अपान यफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन यफ बटे। दोस्तों अगर यहां पे यफ रहेगा याद रखिएगा ऊपर तो यही रहेगा, चाहे आपको पीई अपान यफ निकालना हो चाहे आपको पी एफ अपान ई निकालना हो, ऊपर आपका यही रहेगा। बदलता क्या है, अगर यहां पे यफ रहेगा दोस्तों तो यहां पे यफ हो जाएगा पी एफ, और अगर यहां पे ई रहेगा दोस्तों तो यहां पे हो जाएगा पीई। अर्थात जब पी एफ अपान ई निकालेंगे आप तो दोस्तों हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन यफ और अपान पी ई। अगर नीचे ई रहेगा दोस्तों तो नीचे ई हो जाएगा, नीचे यफ रहेगा दोस्तों तो नीचे यफ हो जाएगा, केवल यही एक चीज बदलता है बाकी चीज वही रहती है दोस्तों। तो याद रखिएगा बराबर है, बराबर लिखिए पीई इंटरसेक्शन यफ आपको दिया है 1/5 दोस्तों, इंटरसेक्शन ही दिया गया है ना, एक बार देख लेता हूं, हाँ दिया गया है बटे पी एफ, और पी एफ का मान दोस्तों 1/4 है, तो जब ये हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4/5, मतलब एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा और ये दोनों बीच में रहेगा दोस्तों, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, अर्थात पी ई अपान एफ दोस्तों आ जाएगा 4/5, अर्थात आंसर नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये दोनों सूत्र था दोस्तों, इसको आप अपनी कैपिटल में लिख लीजिए। तो मैंने कहा है दोस्तों अगर मजा आ रही हो तो अंगूठा ऐसे दिखाएं, मजा आ रही हो तो अंगूठा दिखाएं दोस्तों, मजा आ रही हो तो अंगूठा दिखाएं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं दोस्तों, और मैंने कहा कि ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है 44 में है, लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट यक्स साइन पाई बाई यक्स। जी हाँ दोस्तों यही प्रश्न है आपका, लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट यक्स साइन पाई अपान यक्स। जी हाँ दोस्तों यही प्रश्न है आपका, और कह रहा है कि इसी का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों इसी का मान हमको ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, एक सूत्र है दोस्तों, एक सूत्र है, और सूत्र क्या है सुनिएगा, एक सूत्र है और सूत्र क्या है दोस्तों, कि अगर कभी भी दोस्तों लिमिट यक्स लिखी रहे, याद रखिएगा अगर कहीं भी दोस्तों लिमिट, यहां पे लिखता हूं दोस्तों, लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन यक्स अपान यक्स। जी हाँ दोस्तों लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट
साइन यक्ष अपान यक्ष लिखा है दोस्तों, तो इसका जो मान होता है वो एक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ है लिमिट यक्ष टेंस टू इनफाइनाइट साइन यक्ष अपान यक्ष, तो इसका जो मान होता है दोस्तों, इसका मान एक होता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे पाई अपान यक्ष है, तो उसी हिसाब से इसको भी बना दें दोस्तों अगर, अर्थात लिमिट यक्ष टेंस टू इनफाइनाइट, आप बताइएगा क्या हम इसको क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और चूंकि हमने बताया है कि जब चार बटे रहता है तो एकदम नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये यक्ष कहां चला जाएगा, देखो दोस्तों ऊपर चला जाएगा, यही चीज तो है। यक्ष आपका कहां चला जाएगा दोस्तों, यक्ष आपका ऊपर चला जाएगा। अर्थात आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह रहता है तो ये साइन यक्ष अपान यक्ष का रूप बन गया। अगर आपको इस तरह दिया है साइन, अगर आपको मिल जाता है लिमिट में, तो पहले आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा क्या इससे हल हो रहा है। अगर इससे हल होगा दोस्तों तो हल कर लीजिएगा, और इससे नहीं हल होगा दोस्तों तो मैं आगे बताता हूं कि कैसे हल करेंगे। अब यहां पर हम देख रहे थे दोस्तों कि अगर हम यहां पाई लिख देते हैं तब हमारा ये यहां पे बन जाएगा, अर्थात अगर हम इतने की बात करें दोस्तों तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान दोस्तों एक हो जाएगा, और आगे इंटू पाई है इंटू पाई, अर्थात एक इंटू पाई बराबर इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई आ जाएगा, और यही आ जाएगा आंसर, अर्थात आंसर नंबर 3 आपका सही जवाब है। कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए। क्या किया हमने कि जैसे साइन मिल गया हमको, अगर साइन मिल जाए तो याद रखिएगा साइन यक्ष अपान यक्ष का रूप बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, साइन यक्ष अपान यक्ष का रूप बनाने की कोशिश कीजिएगा। मोहित, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, क्योंकि पढ़ाता रहता हूं इसलिए मैं इधर नहीं देख पाता हूं दोस्तों, फिर भी मैं ऑफलाइन भी आपका कमेंट मैं सबका देखता हूं, अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न रहता है तो मैं उस पर रिप्लाई जरूर देता हूं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। सूत्र दोस्तों, ये सूत्र है, और सूत्र आप लोग लिखते चलिएगा दोस्तों, सूत्र आप लोग अपनी कैपिटल में लिखते चलिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन हाँ लिखा हुआ है लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू। जी हाँ दोस्तों, लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन यक्स की पावर टेन यक्स, लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन यक्स की पावर टेन यक्स। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, चूंकि जो घात लगी हुई है, दोनों घात जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो मेन वैल्यू है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो उसकी घात है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, देख रहे हैं आप कि दोनों चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब कि इसको आप बराबर के कुछ मान लीजिए। तो मान लीजिए कि माना वाई बराबर लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन यक्स की पावर टेन यक्स। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइएगा। इसको मैंने क्यों माना, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू दी गई थी दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो इसीलिए हमने इसमें वाई मान लिया। अब देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जी हाँ दोस्तों, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और जब लॉग लेंगे दोस्तों तो लॉग वाई बराबर आ जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू इंटू लॉग साइन यक्स की पावर टेन यक्स। अब दोस्तों सूत्र लग गया आपका, लॉग यम की पावर यन दोस्तों, ये बराबर होता है यन लॉग यम के। ठीक, लॉग यम की पावर यन बराबर होता है दोस्तों यन लॉग यम के, अर्थात लॉग वाई है लॉग वाई बराबर लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू इंटू ये हो जाएगा दोस्तों टेन यक्स लॉग साइन यक्स। जी हाँ दोस्तों, टेन यक्स लॉग साइन यक्स। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए। टेन यक्स को दोस्तों हम लिख सकते हैं वन अपान कॉट यक्स, अर्थात
log y बराबर दोस्तों लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों log साइन x अपान cot x। अब देखिए जब भी आपका फंक्शन पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, अब जैसे इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब सॉल्व ना हो दोस्तों तो एक बार आप लिमिट रख के देखिए, तो जब आप इसमें लिमिट रखेंगे पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू साइन 90 का मान एक होता है और लॉग एक का मान जीरो होता है। जी हाँ दोस्तों, लॉग एक का मान जीरो होता है। नीचे अगर हम पाई बाई टू रखें तो कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू मतलब कॉट 90 अंश, और कॉट 90 अंश का मान भी जीरो होता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका ये जो फंक्शन है ये किस रूप में बन गया दोस्तों, जीरो बटे जीरो रूप में बन गया। और जब भी आपका फंक्शन जीरो बटे जीरो रूप में बन जाए दोस्तों, तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है दोस्तों, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। और एल हॉस्पिटल रूल है क्या दोस्तों, अंश और हर का एक एक बार अवकलन कर दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों लॉग वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू और लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का दोस्तों जब आप अवकलन करेंगे तो लॉग साइन एक्स का अवकलन करने पर लॉग साइन एक्स का अवकलन होता है दोस्तों कॉट एक्स। जी हाँ दोस्तों, लॉग साइन एक्स का अवकलन होगा माइनस कॉट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का दोस्तों अवकलन होगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। फिर से सुनिएगा दोस्तों, लॉग साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। तो दोनों का अगर आपका जीरो बटे जीरो रूप बने दोस्तों, तो दोनों का अंश और हर का एक एक बार अवकलन कर लेंगे। तो वही हमने अंश का भी एक बार अवकलन किया, हर का भी एक बार अवकलन किया, दोनों का एक एक बार क्या कर दिया दोस्तों, अवकलन कर दिया। अब इसकी वैल्यू रख देंगे दोस्तों, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। और दोस्तों जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिएगा मैं वैल्यू रखने चल रहा हूं, इसको दोस्तों मिटाल देता हूं, इसको मैं मिटाल देता हूं दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू रखने चल रहा हूं, या फिर इसको थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहीं पर लिमिट यक्स टेंस टू पाई बाई टू दोस्तों, कॉट यक्स का मतलब होता है कॉस यक्स अपान साइन यक्स, बटे कॉसेक स्क्वायर यक्स का मान होता है दोस्तों वन अपान साइन स्क्वायर यक्स, और माइनस है दोस्तों माइनस। अब देखिए साइन एक्स से यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक साइन कट जाएगा दोस्तों, तो आएगा क्या, मैं यहां पे लगाता हूं दोस्तों, तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू इंटू, यहां पे दोस्तों माइनस है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए। अब यहां पे हमको पता है कि अगर इसके आगे हम दो लिख दें तो आपका हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फार्मूला होता है साइन टू एक्स का। जी हाँ दोस्तों, साइन टू एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका मतलब कि यहां पे आगे क्या आना चाहिए दोस्तों, यहां पे आगे दो आना चाहिए, और जब आगे दो आएगा दोस्तों तो बटे में भी दो आएगा, तो अर्थात दो बटे दो कर दिए, और माइनस चिन्ह हमारे पास है दोस्तों, तो माइनस चिन्ह हम ये आगे लगा दे रहे हैं। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए। अर्थात ये आपका हो क्या जाएगा दोस्तों, लॉग वाई बराबर, लॉग वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस साइन टू एक्स अपान टू। अब यक्स के यहां पे पाई बाई टू रखेंगे दोस्तों, तो साइन पाई बाई टू इंटू टू, अर्थात ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का मतलब साइन 180 अंश दोस्तों, और साइन 180 अंश का मान होता है जीरो। जी हाँ दोस्तों, साइन 180 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लॉग वाई बराबर दोस्तों आ गया, लॉग वाई बराबर आ गया दोस्तों जीरो, तो वाई बराबर दोस्तों आ जाएगा ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो का मान होता है एक। जी हाँ दोस्तों, ई की पावर जीरो का मान होता है एक दोस्तों, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। मैं एक बार देख लेता हूं कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है दोस्तों, वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई, वाई बराबर
अंडर रूट एक्स प्लस वाई हो तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अवकलन का प्रश्न है दोस्तों, अगर y बराबर अंडर रूट x प्लस वाई हो तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। यही आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपका इस तरह का प्रश्न आ जाए, y बराबर अंडर रूट x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो देखिए एक बार दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, तो जब आप वर्ग करेंगे अर्थात वाई स्क्वायर बराबर यक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, किसी को कहीं समस्या हो बताइएगा दोस्तों। अब देखिए इसका जब आप अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर। जी हाँ दोस्तों, आर के वाई सर की अवकलन की क्लास पड़ी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे क्लास 12th मैथ साइंस पर तो वहां पर आपको मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन बनी हुई है उस पर क्लिक करिएगा तब भी आपको मैथ और साइंस की क्लास मिल जाएगी। उसमें जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अवकलन की पूरी क्लास मिल जाएगी, तो अवकलन कैसे किया जाता है ये चीज वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2y डी वाई अपान डी एक्स। जी हाँ दोस्तों, y नहीं होगा यक्स होगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बराबर, और यक्स का जो अवकलन होता है दोस्तों वो एक होता है, और प्लस डी वाई अपान डी एक्स। अब ये इधर लेके आइए दोस्तों, तो 2y डी वाई अपान डी एक्स, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये था, इसको लिखे हम, ये प्लस में है बराबर कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, डी वाई अपान डी एक्स इसमें आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 2y माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो अर्थात डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक है एक बटे 2y माइनस 1। क्या आ रहा है आंसर, देखिए वही चीज है आंसर नंबर, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि मैथ आसान लग रही है कि नहीं दोस्तों, मैथ आसान लग रही है कि नहीं दोस्तों, बताइए। तो देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज से आप निराश मत होइए, और स्पेशली जो बायो वाले छात्र हैं वो अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो निश्चित ही मैथ उनको आसान लगेगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं दोस्तों। कल की क्लास दोस्तों और इंपॉर्टेंट रहेगी, कल जो है हम लोग इंग्लिश में पैसेज पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोग इंग्लिश का पैसेज पढ़ेंगे, और पूरा विस्तार से एक एक वर्ड मैं बताऊंगा आपको, और पैसेज से कम 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि वाई बराबर लॉग एक्स का होल क्यूब। जी हाँ दोस्तों, y बराबर log x का होल क्यूब। लाइट दोस्तों आ जा रही है तो इसीलिए थोड़ा आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम होती होगी, लुप झुप करती है तो परेशान ना होइएगा, वो सही हो जाएगा कुछ देर में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए जुटे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो ये तो फर्क, मतलब कि ये तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप भले कुछ भी ना करें केवल एक जगह एक लोगों को शेयर करिए, एक लोगों को जबरदस्ती बुलाइए कि चलिए आप देखिए, तो एक लोगों को केवल आप करिए बस दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यही है, हमको निकालना है डी वाई अपान डी एक्स। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो भी ब्रेकेट के अंदर लिखा रहे उसको कुछ भी मान लीजिए आप, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। तो हम इसको टी मान लेते हैं कि माना टी बराबर लॉग यक्स। मैं इसको डायरेक्ट भी करूंगा और विस्तार में भी करूंगा, पहले विस्तार देख लीजिए फिर मैं शॉर्ट बताता हूं। टी बराबर लॉग एक्स तो ये हो जाएगा दोस्तों वाई बराबर टी का क्यूब, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपान डी टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3t2। ठीक, डी वाई अपान डी टी बराबर हो जाएगा 3t2, और टी का मान देखिए क्या माने लॉग एक्स, इसको आप ऐसे लिख लीजिए डी वाई अपान डी टी बराबर 3 log x का होल स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए जो चीज माने हैं उसको लिख लीजिए, क्या माने हैं टी बराबर log x। अब यहां पे x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोस्तों,
यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, और जब यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो नीचे लिखते हैं, तो डी टी अपान डी एक्स बराबर लॉग यक्ष का होता है वन अपान यक्ष। हमको निकालना है दोस्तों डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने निकाला डी वाई अपान डी टी और इंटू डी टी अपान डी एक्स। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो डी टी डी टी कट जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स वही चीज आ जाएगी, और देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी का मान कितना है, थ्री लॉग यक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टी अपान डी एक्स का मान है एक बटे यक्स, अर्थात जो मान आ गया दोस्तों थ्री वन अपान यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका आंसर, अर्थात जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर दो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और आइए इसकी ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। तो इसकी ट्रिक देखिए, आपको दिया गया था ना दोस्तों वाई बराबर लॉग एक्स का क्यूब, एक फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, अगर वाई बराबर एक्स की पावर एन है तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर होता है यन यक्स की पावर यन माइनस वन। देख रहे हैं वाई बराबर लॉग यक्स की पावर थ्री है दोस्तों, तो ये पूरा जान लीजिए कि यक्स लिखा हुआ है, तो यक्स की पावर थ्री का क्या होगा दोस्तों, यानी कि डी वाई अपान डी यक्स बराबर थ्री लॉग यक्स की पावर यन माइनस वन, यानी थ्री माइनस वन तो कितना आ जाएगा दोस्तों दो। ठीक, एक बार हमने इसका पूरे का अवकलन किया दोस्तों, इतना आ गया। अब देखिए जो आप t मान रहे थे वो किसको मान रहे थे, log x को मान रहे थे, और दोस्तों y बराबर अगर log x लिखा है तो dy वाई अपान डी एक्स बराबर होता है दोस्तों वन अपान x, तो वही चीज है, तो log x को एक बार हमने माना, दोबारा log x का जो अवकलन करेंगे दोस्तों तो वन अपान x करेंगे, और यही चीज आपका आंसर है। देख लीजिए कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों, सब चीज आपको बताई जाएगी, आप केवल एक काम करिए अवकलन वाला वीडियो प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए, या फिर आप डाल दीजिए डिफरेंशिएशन बाई आर के वाई सर, सर्च लिस्ट पे जाइए वहां डालिए डिफरेंशिएशन बाई आर के वाई सर, वहां पर आपको पूरा विस्तार में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 50 प्रश्न रहता है दोस्तों एक सेट में, और आज आपका ये सेट समाप्त हो जाएगा दोस्तों, आज आपका ये सेट समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, समाकलन वन अपान वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। जी हाँ दोस्तों समाकलन वन अपान वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसी को आपको दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, कॉस यक्स का दोस्तों फार्मूला है मैं आपको बता देता हूं, कॉस यक्स के पहले अगर माइनस लिखा है तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, अगर कॉस यक्स के पहले प्लस लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों टू कॉस स्क्वायर यक्स है तो यहां पे यक्स होगा यक्स बाई टू, और एक कॉस यक्स का फार्मूला होता है दोस्तों वन अपान वन अपान सेक यक्स, और एक कॉस यक्स का फार्मूला होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर यक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर यक्स बाई टू। ये तीन फार्मूले दोस्तों ज़्यादातर आपको यूज में मिलेंगे। ठीक, ये चारों फार्मूला है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए, और इसका बेस जो फार्मूला है, बेस फार्मूला है दोस्तों कॉस टू यक्स बराबर कॉस स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स, इसी से दोस्तों इसी से ये तीनों फार्मूले जनरेट हुए हैं, इसी से ये तीनों फार्मूला जनरेट हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आप यहां पे देख रहे हैं कॉस एक्स लिखा है, इसके पहले माइनस है दोस्तों, तो ये नंबर दो वाला फार्मूला यहां पे लगाएंगे, अर्थात वन अपान वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिएगा और शेयर करते रहिए दोस्तों, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर यक्स बाई टू डी एक्स। देखिए दोस्तों एक से एक कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, समाकलन एक यहां पे है दो यहां पे है, तो एक बटे दो साइन स्क्वायर यक्स बाई टू डी एक्स, एक बटे दो दोस्तों बाहर कर लीजिए, और वन अपान साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स।
अब कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है दोस्तों वो माइनस कॉट एक्स होता है, तो अर्थात एक बटे दो, और इसका हो जाएगा दोस्तों माइनस कॉट एक्स और बटे एक बटे दो प्लस सी, तो दो से दो दोस्तों कट जाएगा, अर्थात हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं मैं, हमारे पास बचेगा माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, अर्थात ऑप्शन नंबर थ्री जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है दोस्तों, मजा आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 49 में कह रहा है समाकलन 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1, देख रहे होंगे समाकलन का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डी एक्स बराबर व्हाट। जी हाँ दोस्तों, समाकलन का देख रहे होंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए दोस्तों, ठीक, जिसमें आपको नीचे कोई भी फंक्शन ना दिया गया हो, ना त्रिकोणमिति फंक्शन हो ना कुछ हो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो नीचे लिखा हुआ है इसी को आप x मान लीजिए, तो x है तो इसको y मान लीजिए या फिर t मान लेता हूं मैं, जो आपको नीचे दिया गया है दोस्तों इसी को आप कुछ मान लीजिए। अंडर रूट x का जब आप अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन टू रूट x हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यहां से दोस्तों, यहां से अब देख रहे हैं हम कि 1 अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या है दोस्तों, डी टी है, ठीक, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो प्रश्न है एक मिनट देख लेने दीजिए हमको, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, जी हाँ दोस्तों 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, हाँ तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था देख लीजिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर व्हाट। तो देखिए दोस्तों, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी मान लिया हमने, और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। जी हाँ दोस्तों, अब इसी का मान रख दीजिए, तो 1 अपॉन और इसका मान दोस्तों टी माने हैं, और इन टू इसके जहां पर हो जाएगा दोस्तों 2 डी टी, इसके पूरे के जहां दोस्तों 2 डी टी हो जाएगा, दो बाहर कर लीजिए 1 अपॉन टी डी टी, अर्थात 2 और 1 अपॉन टी का होता है दोस्तों लॉग टी प्लस सी, या फिर 2 लॉग टी और टी का मान है दोस्तों अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस सी, यही आ जाएगा दोस्तों आंसर। और जो आपका आंसर है दोस्तों देख रहे होंगे, आंसर नंबर 1 इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर 1 इसका सही जवाब है। किसी को भी कहीं भी कोई भी समस्या हुई हो दोस्तों तो बताइएगा। अगला जो लिखा हुआ है दोस्तों ये सूत्र है, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये सूत्र है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है समाकलन 0 to 2a f x dx बराबर, f x dx बराबर समाकलन 0 to a, उसमें f लिखा हुआ है, रुक जाइएगा एक मिनट, माइनस समाकलन 0 to a f 2a माइनस x dx, 2a माइनस x dx बराबर व्हाट। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना हमको, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखिएगा समाकलन 0 to 2a, लिमिट देखिए 0 से 2a और 0 से a, दो चीज है दोस्तों, एक 0 से 2a है और एक 0 से a है। तो समाकलन 0 से 2a f x
dx बराबर दोस्तों ये जो होता है वो होता है समाकलन 0 से a, समाकलन 0 से a f x और प्लस f 2a माइनस x dx। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों 0 to 2a बराबर 0 to a समाकलन f x और प्लस f 2a माइनस x। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 to 2a f x dx, और ये चीज आप इधर लेके आइए तो माइनस 0 to a f 2a माइनस x dx, ये बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 0 to a f x dx। तो आपका पूछ रहा है दोस्तों, आपका दोस्तों पूछ रहा था कि इतना माइनस इतना बराबर क्या होता है। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज था आज का प्रश्न, और 50 प्रश्न अर्थात सेट वन आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ये सेट आपकी 3 क्लास में हुई पूरी, लेकिन आगे से नहीं होगा ऐसा। अब जो मैथ का सेट रहेगा दोस्तों, इंग्लिश का सेट तो एक सेट में पूरा हो जाएगा एक वीडियो में, जो आपका साइंस का है वो भी आपका एक वीडियो में पूरा हो जाएगा दोस्तों, जो आपका मैथ का है एक वीडियो में आपके 13 प्रश्न होंगे और एक वीडियो में आपके 12 प्रश्न होंगे, क्योंकि 25 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो दो वीडियो आपको मैथ का एक सेट हल करने के लिए दोस्तों दो वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है दोस्तों, हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक, तो आप लोग इतना करिएगा दोस्तों, अपने मित्र को अपने दोस्त को जरूर बताइएगा कि एयरफोर्स की नंबर एक की क्लास चल रही है दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे दोस्तों ये लिखा हुआ है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट मैं इसमें सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, और सत्यम सर की क्लास देखना ना भूलिएगा दोस्तों, सत्यम सर की क्लास जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।